हेलो एवरीवन, आई वेलकम यू ऑल एट अधिष्ठान एस। अधिष्ठान एस में आपका स्वागत है। सो 1.5 ईयर करंट अफेयर सीरीज के अंदर दिस इज लेक्चर नंबर 10। सो आपको प्रीलिम्स की बेस्ड करंट अफेयर्स यहाँ पे पढ़ाए जाते हैं। अगर आपको कोई भी टेंशन है प्रीलिम्स बेस्ड करंट अफेयर्स की, आप पूरी टेंशन छोड़कर यहाँ पर आ सकते हैं। पूरा कॉम्प्रेहेंसिव कवरेज यहाँ पर कराया जाएगा करंट अफेयर्स का, राइट। प्रीलिम्स 2025 के लिए सीरीज हम नवंबर दिसंबर में स्टार्ट करते थे, अभी हमने स्टार्टिंग में ही मतलब अगस्त के महीने के अंदर ही इसको स्टार्ट कर दिया है, राइट। तो चलिए लेट्स स्टार्ट द क्लास। बट बिफोर स्टार्ट आई वांट टू लेट यू नो दैट 21st अगस्त को एक नया बैच स्टार्ट कर रहे हैं हम इकोनॉमिक्स का। दिस इकोनॉमिक्स बैच इज गोइंग टू बी वेरी हेल्पफुल फॉर यू बिकॉज के अंदर कंप्लीट कवरेज ऑफ सिलेबस करा जाएगा, कॉम्प्रेहेंसिव सब कुछ कॉम्प्रेहेंसिवली कवर किया जाएगा इसके अंदर। अगर आप देखेंगे तो इसके अंदर स्पेशल नोट्स आपको बनाकर दिए जाएंगे। जो नोट्स होंगे वो बहुत ही मतलब आप देखेंगे करंट अफेयर से लिंक्ड नोट्स होंगे, जिसके अंदर हम योजना, कुरुक्षेत्र, गवर्नमेंट की मैगजीन्स, इकोनॉमिक सर्वे, गवर्नमेंट किस डायरेक्शन में सोच रही है इकोनॉमिक डायमेंशंस में, वो सब चीज़ें आपको यहाँ पर बताएंगे। इसी तरह से प्रीलिम्स टेस्ट सीरीज होगी, मेंस टेस्ट सीरीज होगी, बजट इकोनॉमिक सर्वे होगा और बहुत सारी गवर्नमेंट की रिपोर्ट आपको यहाँ पर प्रोवाइड की जाएगी, जिससे कि आपको क्या होगा कि एक पूरा का पूरा अच्छे नोट्स के साथ आपको पढ़ाया जाएगा, राइट। जिससे कि क्योंकि देखिए आपको लिखना जो एग्जाम के अंदर है वो यूनिक चीज़ लिखनी है कुछ, ठीक है, जो मार्केट के अंदर अवेलेबल है उससे हटकर कुछ आपको ऐसा लिखना है जिससे कि सामने इवेल्युएटर को लगे कि हाँ आपने मेहनत करी, आपने रिसर्च कराया, राइट। तो वो सब चीज़ें हम आपको यहाँ पर प्रोवाइड करेंगे, बस आप इसको ज्वाइन करें और आप देखें कि ये बैच कितना ज़्यादा आपको फायदा देगा, राइट। चलिए स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट करने से पहला जो टॉपिक है हमारा दैट इज जियो पार्सी स्कीम। जियो पार्सी स्कीम क्यों न्यूज़ में आई है, ये तो बहुत पहले लॉन्च हो गई थी सर। ये न्यूज़ में इसलिए आई है बिकॉज अभी देखिए यहाँ पर जो माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर हैं किरण रिजिजू, उन्होंने लॉन्च कराया एक पोर्टल, जियो पार्सी स्कीम के लिए एक पोर्टल लॉन्च कराया, तो दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज़। तो जियो पार्सी स्कीम क्या है पहले मैं आपको ये बता दूँ। देखो भाई, पारसीज की पॉपुलेशन जो है ना भारत के अंदर, पारसी क्या होना है, एक तरह से माइनॉरिटी है और इनकी पॉपुलेशन बहुत कम होती जा रही है, राइट। बहुत कम पॉपुलेशन की होती जा रही है, तो इनकी पॉपुलेशन बढ़े, राइट। क्योंकि अगर मान लीजिए एक देश के अंदर मान लो एक पर्टिकुलर सेक्शन ऑफ सोसाइटी चला गया, ठीक है, अगर मान लीजिए खत्म ही हो गया, विलुप्त हो गया, राइट, क्योंकि पॉपुलेशन नहीं बढ़ रही है, तो इसके अंदर डाइवर्सिटी कैसे मेंटेन करेंगे फिर हम। तो डाइवर्सिटी मेंटेन करने के लिए माइनॉरिटी अफेयर्स मिनिस्टर ने यहाँ पर एक जियो पार्सी स्कीम के अंदर एक पोर्टल बनाया। पहले स्कीम पहले से थी, एक पोर्टल यहाँ पर बनाया गया है ना। तो जियो पार्सी स्कीम में किसी तरह से मोटिवेट कर रहे हैं कि आप ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं, राइट, पारसी लोग ज़्यादा से ज़्यादा अपनी पॉपुलेशन को बढ़ाएं। अब ये जो है ना दैट इज़ ए सेंट्रल सेक्टर स्कीम, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है। मतलब सेंट्रल सेक्टर का मतलब क्या है कि 100% फंड कॉन्ट्रीब्यूशन इज गिवन बाय द सेंटर, सेंटर ही पूरा पैसा इसके अंदर देगा। और मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की ये स्कीम है। तो ये मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स तो आपको समझ में आ जाएगा पारसीज क्योंकि माइनॉरिटी है तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स की है। अब पारसीज जो है उनके लिए, अब देखो हर स्टेट के अंदर हो सकता है कहीं में ज़्यादा हो कहीं पर कम हो, तो इसके लिए स्टेट को हटाई दिया, बोला स्टेट तुम साइड में हटो, सेंटर ने कहा कि हम ही स्कीम दे देंगे, सेंट्रल सेक्टर स्कीम। इस तरह से आप याद रख सकते हैं, है ना। तो मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के साथ साथ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पर ये फाउंडेशंस भी हैं, जैसे पारसोर फाउंडेशन, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स है, बॉम्बे पारसी पंचायत, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ सोशल साइंस, ये सब लोग भी क्या हैं, ये सब लोग भी इसके अंदर इंक्लूडेड है, राइट। ये हेल्प कर रहे हैं गवर्नमेंट की जियो पारसी स्कीम के अंदर। ऑब्जेक्टिव क्या है, ऑब्जेक्टिव वही है जो मैंने आपको बताया, बहुत बुरी तरह से पारसी पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है, तो साइंटिफिक प्रोटोकॉल को अडॉप्ट करते हुए, स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन करते हुए उनकी पॉपुलेशन को वापस से रिवाइव करना कि भाई तुम लोग हमारे लिए बड़े इंपॉर्टेंट हो, कहीं पारसी चले नहीं जाए, पूरे भारत के अंदर से विलुप्त ना हो जाए, ठीक है। इसलिए ये स्कीम जियो पारसी स्कीम यहाँ पर लगाई गई है। आपको एक बार प्रेजेंट स्टेटस बताता हूँ, उसके बाद आपको थोड़ा समझ में आएगा। देखो टोटल फर्टिलिटी रेट अगर हम देखें ना पारसी की, तो दैट इज लेस देन वन। मतलब अगर हम देखें ऑन एन एवरेज जो पारसी वीमेन है ना, वो टोटल चाइल्ड, अगर मान लीजिए पारसी वीमेन जो है, राइट, वो टोटल चाइल्ड जो बियर कर रही हैं वो एक से भी कम कर रही हैं, अगर एवरेज देखें तो। मतलब एक मैरिड कपल है, ठीक है, इसके अंदर पारसी वीमेन है, पारसी वीमेन अगर आप देखेंगे तो एक से भी कम वो क्या कर रही है, चाइल्ड को बियर कर रही है। तो इनकी टोटल फर्टिलिटी रेट 0.8 है सिर्फ, है ना, एवरेज देखें। मतलब कुछ लोगों के पास क्योंकि बच्चे है ही नहीं, राइट, कुछ लोग बच्चे ही पैदा नहीं कर रहे हैं, राइट, और जो है वो बहुत कम बच्चे पैदा कर रहे हैं, तो टोटल एवरेज जो रेट है, राइट, वो कितना हो जाएगा, 0.8 है ना, एवरेज टोटल बियरिंग जो है, राइट। तो यहाँ पर अगर आप देखेंगे टोटल बियरिंग ऑफ चाइल्ड वो दैट इज लेस देन वन, है ना।
समझ में आ रहा है। तो ऐसी वीमेन जिनकी एज हो चुकी है, राइट, किसकी चाइल्ड बियरिंग की एज हो चुकी है, उनको यहाँ पर कंसिडर करा जाता है टोटल फर्टिलिटी रेट के अंदर, और फिर देखा जाता है कि कितने बच्चे वो पैदा करने के उनका है, राइट, कितने बच्चे पैदा वो कर रहे हैं, राइट। तो उसके बेसिस पे टोटल फर्टिलिटी रेट निकाली जाती है, और ये सिर्फ 0.8 है पारसीज के अंदर, राइट। तो यहाँ पर आप देखो टोटल फर्टिलिटी रेट ऑफ पारसी कम्युनिटी हैज रीच्ड बिलो 1, विच मीन्स दैट ऑन एन एवरेज ए पारसी वीमेन इन हर टोटल चाइल्ड बियरिंग एज हैज लेस देन 1 चाइल्ड, है ना। तो आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा अगर आप देखें 31% पारसीज, वो तो 60 साल के ऊपर हो गए हैं, 60 साल से ऊपर हो गए, तो इनकी तो पॉपुलेशन डिक्रीज होने वाली है, ठीक है, क्योंकि यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज एज जो है इंडियंस की 65 के आसपास है, राइट। तो उनकी डेथ भी हो जाएगी थोड़े दिनों बाद, अगर मान लो 10-1 साल बाद देखें तो ये जो गए, और ये कोई नया मतलब ये देखेंगे ये तो रिप्रोडक्शन भी नहीं कर पाएंगे, राइट। तो आई होप दिस इज क्लियर। तो 31 पारसीज जो है वो 60 साल से ऊपर है ना, एंड मोर देन 30% पारसीज आर नेवर मैरिड, और जो यहाँ पर है बाकी के 30% जो यंग है वो शादी नहीं कर रहे हैं, उनके शादी के खिलाफ हो गए वो, राइट। तो उनको लगता है मस्त लाइफ जियो आराम से यार, क्या शादी वादी करना है, राइट। तो यहाँ पर ये प्रेजेंट स्टेटस है किसका, पारसीज का। इसीलिए गवर्नमेंट इंटरवेंशन करना चाहती है स्ट्रक्चर्ड मैनर में, जिससे कि क्या हो एक तरह से पारसीज की पॉपुलेशन डिक्लाइन ना हो, बिल्कुल खत्म ना हो जाए। इसलिए जियो पारसी स्कीम 2013-14 के अंदर स्टार्ट करी गई, राइट। मैंने आपको बताया सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट पारसीज कम्युनिटी की डिक्लाइनिंग पॉपुलेशन के कारण। आपको मैंने बताया टोटल फर्टिलिटी 0.8 ही रह गई है पारसीज की, और अगर हम देखेंगे जो 60 साल से ज़्यादा 100 पारसी है, मान लो टोटल 100 पारसी है, तो 31 तो हटाई दो बिल्कुल, क्योंकि ये तो क्या है, ये तो एक तरह से ओल्ड एज के अंदर आ गए हैं, और बाकी के यहाँ पर जो यंग लोग हैं जो बच्चे पैदा कर सकते हैं, राइट, वो 30% लोग उन्होंने शादी ही नहीं करी है, तो इनको भी हटा दो। तो इस तरह से आप देखेंगे तो यहाँ पर पॉपुलेशन बढ़ने के भी कोई आसार नहीं दिख रहे थे, इसलिए गवर्नमेंट ने स्कीम चलाई है। अब गवर्नमेंट इस स्कीम के अंदर 3 कंपोनेंट रखती है, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जा सकता है, मेडिकल कंपोनेंट, हेल्थ ऑफ कम्युनिटी कंपोनेंट एंड एडवोकेसी कंपोनेंट। तो सबसे पहले हम एडवोकेसी को देखते हैं, एडवोकेसी कंपोनेंट क्या बोलता है। एडवोकेसी कंपोनेंट ऐसे बोलता है कि देखिए जिनको भी इनफर्टिलिटी है, ठीक है, जिनके बच्चे पैदा हो नहीं पा रहे, वो ट्राई कर रहे हैं पर बच्चे नहीं पैदा हो पा रहे, इनफर्टिलिटी है, उनको एक तरह से काउंसलिंग प्रोवाइड करना, ठीक है, उनको मैरिज के लिए लोगों को काउंसलिंग प्रोवाइड करना कि भाई शादी कर लो, 30% क्यों शादी नहीं कर रहे, बोले यार बहुत लफड़ा है शादी के अंदर, हम नहीं कर पाते, हम मस्ती से नहीं रह सकते, हम मस्त रहने वाले लोग हैं, तो उनको समझाना कि शादी भी इंपॉर्टेंट है लाइफ के अंदर। फैमिली एंड एल्डरली काउंसलिंग करना, हेल्प डेस्क, मेडिकल कैंप्स ऑल ओवर द इंडिया, ये सब एडवोकेसी के अंदर आएंगे, राइट, जिसके अंदर एक तरह से क्या कर रहे हैं, काउंसलिंग कर रहे हैं कपल्स की। डेवलपमेंट ऑफ वेबसाइट, जिससे कि इनकी पॉपुलेशन पता चले कि इनकी कितनी पॉपुलेशन है, और जो दूसरी डिटेल्स है पारसी कम्युनिटी की और उन तक कैसे पहुंचा जाए, आउटरीच प्रोग्राम, ये सब चीज़ें हम क्या करें वेबसाइट के थ्रू इस तरह से कैप्चर करें। इसके अलावा इंक्लूडिंग वर्कशॉप ऑन द रिलेशनशिप मैनेजमेंट, रिलेशनशिप मैनेजमेंट के अंदर कि भाई यही इस तरह से हो जाएगा कि भाई रिलेशनशिप क्यों नहीं एस्टेब्लिश कर, मान लो मैरिड कपल है वो भी बच्चा पैदा नहीं करना चाह रहे, तो उसका रिलेशनशिप मैनेजमेंट, पेरेंटिंग, ड्रग अवेयरनेस, सेल्फ इमेज, इन सब के बारे में क्या है एक तरह से काउंसलिंग उनको प्रोवाइड करना, और दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। आप यहाँ पर देख रहे हैं साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालना बहुत ज़रूरी होता है, बिकॉज साइकोलॉजिकल इम्पैक्ट डालेंगे तभी जाकर वो लोग क्या करेंगे, वो लोग आगे की तरफ बढ़ेंगे, राइट, वो लोग शादियाँ करेंगे, वो बच्चे पैदा करेंगे, वो ये चाहते हैं कि ज़्यादा से ज़्यादा पारसीज जो हैं उनकी पॉपुलेशन बढ़े। आई होप दिस इज क्लियर। इसके अलावा उनसे पूछा गया कि भाई तुम क्यों नहीं बच्चे पैदा कर रहे, बताओ पारसीज, तो उनको बोला गया यार बच्चे पैदा हो जाता है तो हमारा डेवलपमेंट ग्रोथ इसके अंदर रुक जाता है, ठीक है, क्योंकि बच्चे को संभालेंगे फिर क्या करेंगे, तो बोलेंगे हम यार आप अपना आराम से काम करा करो, हम आपको चाइल्ड केयर सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो हेल्थ ऑफ कम्युनिटी के अंदर चाइल्ड केयर सपोर्ट यहाँ पर प्रोवाइड करा जा रहा है, रीच फैसिलिटी प्रोवाइड करी जा रही है, ठीक है, कि आप जाओ आराम से काम पर, बच्चा हमारे पास छोड़ जाओ, हम बच्चे का पालन पोषण सब कर लेंगे, राइट। तो यहाँ पर देखो दिस विल कवर हेल्थ ऑफ कम्युनिटी के अंदर, दिस विल कवर रीच चाइल्ड केयर सपोर्ट, सीनियर सिटीजन ऑनोरेरियम फॉर चाइल्ड केयर, असिस्टेंट टू द एल्डरली, द क्रीच चाइल्ड सपोर्ट विल बी प्रोवाइडेड टू द पेरेंट्स, पेरेंट्स को प्रोवाइड करा जाएगा, ये हेल्थ ऑफ कम्युनिटी के अंदर काउंट हो रहा है, राइट। इसके अलावा फिर मेडिकल असिस्टेंस भी, कि कई लोग हैं कि भाई क्योंकि इनफर्टिलिटी के इशू इतने ज़्यादा हो रहे हैं, इनफर्टिलिटी जो है उसके कारण वो क्या है, बच्चे पैदा नहीं हो पा रहे हैं, राइट, तो उसके अंदर उनको बोलना मेडिकल असिस्टेंस प्रोवाइड करना, ठीक है, वो बोलेंगे भाई हम IVF करा लें पर हमारे पास पैसा नहीं है तो हम आपका IVF करा देंगे, इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन, इनके थ्रू क्या कर रहे हैं, इनके थ्रू
आपको बच्चे पैदा करना है यहाँ पर, राइट? तो आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन। असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को यूज करते हुए, जैसे IVF हो गया है ना, इंट्रासाइटोप्लाज्मिक स्पर्म इंजेक्शन हो गए, ठीक है, इसके थ्रू क्या कर रहे हैं, अगर मान लीजिए कोई इनफर्टिलिटी का केस है तो उसको सॉर्ट आउट कर रहे हैं। आई होप मेडिकल असिस्टेंस भी समझ में आ रहा है, ठीक है। तो तीन चीजें हैं भैया, एडवोकेसी, हेल्थ ऑफ कम्युनिटी एंड मेडिकल असिस्टेंस, ये याद कर लेना, ये पूछा जाएगा जियो पार्ट्स स्कीम के अंदर। सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है कि नहीं है? सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम नहीं है, सेंट्रल सेक्टर स्कीम है, राइट, ये इसके अंदर याद रखना। चलो, इसके अलावा टू डील विद द फर्टिलिटी इश्यू फाइनेंशियल असिस्टेंस विल बी प्रोवाइडेड फॉर इन्वेस्टिगेशन एंड डिटेक्शन ऑफ द इनफर्टिलिटी, क्योंकि इनफर्टिलिटी क्यों है उसके लिए पूरा गवर्नमेंट प्रोवाइड कर रही है फाइनेंशियल असिस्टेंस। काउंसलिंग एंड फर्टिलिटी ट्रीटमेंट टू द मैरिड कपल आफ्टर देयर फर्टिलिटी प्रॉब्लम इज मेडिकली डिटेक्टेड, तो फर्टिलिटी प्रॉब्लम कोई आ गई है तो उनको काउंसलिंग करना, ठीक है, उनको ट्रीटमेंट प्रोवाइड करना, ये सब चीजें, IVF की फैसिलिटीज प्रोवाइड करना, ये सब चीजें इसके अंदर है। अब ये न्यूज में क्यों था बताओ, भूल गए? न्यूज में क्यों था? न्यूज में इसलिए था बिकॉज इसको, इसके लिए एक पोर्टल जो है वो लॉन्च करा गया है मिनिस्ट्री ऑफ माइनॉरिटी अफेयर्स के लिए, दो दिन पहले पोर्टल लॉन्च करा गया, दैट्स व्हाई इट इज इन द न्यूज। तो पोर्टल क्या करेगा, विल इनेबल पारसी कपल्स टू अप्लाई ऑनलाइन अंडर द स्कीम। आराम से, कहीं जाने की जरूरत नहीं, घर बैठे बैठे स्कीम के अंदर क्या कर सकते हो आप, ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। विच एम टू रिवर्स द डिक्लाइनिंग ट्रेंड ऑफ द पारसी पॉपुलेशन बाय अडॉप्टिंग साइंटिफिक प्रोटोकॉल एंड स्ट्रक्चर्ड इंटरवेंशन, ये तो मैंने आपको बढ़ाई दिया था। द स्कीम प्रोवाइड्स, ये स्कीम के बारे में लिखा हुआ है। तो इस तरह से आप देखेंगे एक पोर्टल है, पोर्टल के थ्रू आप डायरेक्टली कर सकते हैं। पहले स्कीम थी, स्कीम के अंदर लोगों को पता नहीं था कैसे करें क्या करें, अब पोर्टल यहाँ पर बना दिया जाए, ठीक है। तो देखो, बेनिफिशियरी एंड एप्लीकेंट विल बी एबल टू चेक द स्टेटस ऑफ देयर एप्लीकेशन एंड विल बी एबल टू रिसीव द फाइनेंशियल असिस्टेंस ऑनलाइन थ्रू द डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर मोड। आराम से घर बैठे बैठे पैसा आ जाएगा, ठीक है, उस पैसे से आप अपना ट्रीटमेंट कराए, आपको कोई मेडिकल असिस्टेंस चाहिए तो मेडिकल असिस्टेंस आपके पास यहाँ पर होगा। सिंस इंसेप्शन इन 2013-14 द स्कीम हैज सपोर्टेड मोर देन 400 पारसी चिल्ड्रंस, ठीक है, 400 से लेकर 400 पारसी चिल्ड्रंस की उन्होंने हेल्प करी है। तो भाई ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि डाइवर्सिटी रहनी चाहिए, ऐसा नहीं कि एक पॉपुलेशन जो है उस पर ध्यान नहीं दिया तो पॉपुलेशन बिल्कुल गायब ही हो गई, ठीक है, वो एक सेक्शन पे ध्यान नहीं दिया तो उसकी पॉपुलेशन बिल्कुल डिक्लाइन ही हो गई। तो ये भारत की कॉन्स्टिट्यूशन में भी बोल रखा है कि भाई अगर मान लीजिए कोई भी ग्रुप है, राइट, उसको ऐसा लगता है कि उसको कोई भी फियर है, राइट, या फिर उसके पॉपुलेशन डिक्लाइन हो रही है या फिर वो अच्छा नहीं कर पा रहा है, सोशो इकोनॉमिक कंडीशन उसकी खराब है, तो अफर्मेटिव एक्शन शुड बी प्रोवाइडेड टू देम, जिससे कि भारत के अंदर डाइवर्सिटी बने रहे, राइट। चलिए, नेक्स्ट इज ब्लैक बग। ब्लैक बग जो है ना, दैट इज इन द न्यूज क्योंकि इन स्पाइट ऑफ ऑल द ऑड है ना, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है भाई, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाई है, इन्होंने अपनी पॉपुलेशन बढ़ाने का बहुत अच्छे से तरीके निकाले हैं, कुछ तरीके इंपॉर्टेंट नहीं है, राइट, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है ब्लैक बग। ब्लैक बग न्यूज के अंदर आ गया। तो अभी एक स्टडी करी गई, IISc ने स्टडी करी, उसके अंदर ये बताया गया हाउ ब्लैक बग सर्वाइव द चैलेंजेस, कि ब्लैक बग के पीछे सलमान खान पड़ा था, राइट, सलमान खान पड़ा हुआ था ब्लैक बग के पीछे, ये वही वाला केस है जिसके अंदर सलमान खान को दोषी ठहराया गया था एक बार, राइट, फिर अब उनको केस आई थिंक सॉर्ट आउट हो गया। तो ब्लैक बग जो था इसके पीछे सलमान खान इतनी बुरी तरह से पड़ा है, फिर भी सर्वाइव कैसे कर गया है इन स्पाइट ऑफ ऑल द चैलेंजेस। क्या चैलेंज था? चैलेंज यही था कि भाई सलमान खान इसको ढूंढ रहा था, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू, लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट इज ब्लैक बग, ब्लैक बग क्या होता है ये अपन अंडरस्टैंड करते हैं। तो देखो, ब्लैक बग एक तरह से एक ऐसी स्पीशी है, ठीक है, जिसको जो कि नेपाल और इंडिया के अंदर पाया जाता है, बस नेपाल और इंडिया के अंदर ही पाया जा रहा है, समझ में आ रहा है, इट इज नेटिव टू नेपाल एंड इंडिया, और इंडिया के अंदर तो बहुत कम हो चुके थे ये, क्योंकि सलमान खान जो थे पहले बहुत ज्यादा गुस्से में थे ब्लैक बग को देखे, अब थोड़े से कूल डाउन हुआ है तो फिर इनकी पॉपुलेशन थोड़ी बढ़ी है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। इनको इंडियन एंटेलॉप भी बोलते हैं, इंडियन एंटेलॉप, राइट, कभी इंडियन एंटेलॉप लिखा जाए तो ये ब्लैक बग ही है ना। अब यहाँ पर देखो कि ये इंपॉर्टेंट है कि ब्लैक बग और इंडियन एंटेलॉप इज ए स्पीसीज ऑफ द एंटेलॉप नेटिव टू द इंडिया एंड नेपाल, और भारत के अंदर यहाँ पर मिलते हैं, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, तमिलनाडु, उड़ीसा एंड अदर एरियाज थ्रू आउट द पेनिनसुलर इंडिया। ये जो है ना ग्रासलैंड्स के अंदर रहते हैं, ग्रासलैंड, राइट। और इसके अलावा आप देखेंगे यहाँ पर कि इनकी स्पीड जो है ना भागने की, वो बहुत तगड़ी स्पीड है, ठीक है, तभी तो बच गए है ना, बंदूक की गोली से, बंदूक की गोली से भी तेज भागते हैं। तो चीता के बाद यही है साहब, एक तो चीता भागता था, एक दूसरे यही भागते हैं, राइट। तो चीता के बाद सबसे तेज भागने वाला एनिमल जो वर्ल्ड के अंदर है वो इंडियन एंटेलॉप ही है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर। अब ये लोग है ना दिन में एक्टिव रहते हैं, है ना, दिन में एक्टिव रहते हैं, तो डायरूनल
एंटेलॉप है ये, राइट, जो दिन में एक्टिव रहते हैं, क्योंकि रात में इनको डर लगता है कि कोई बंदूक लेकर इनको मार नहीं दे, ठीक है, तो इतना खौफ है भाई। इट इज कंसिडर्ड टू बी द फास्टेस्ट एनिमल इन द वर्ल्ड नेक्स्ट टू चीता, भागना पड़ेगा गोली से भी तेज भागना पड़ेगा। ब्लैक बक इज अ डायरनल एंटेलॉप, इट हैज बीन डिक्लेयर्ड एज अ स्टेट एनिमल ऑफ द पंजाब हरियाणा एंड आंध्र प्रदेश, इसका स्टेट एनिमल को डिक्लेयर करा गया। इसके अलावा ये क्या है, ये कल्चरल इंपॉर्टेंस भी इनकी बहुत इंपॉर्टेंस, कल्चरल इंपॉर्टेंस है। एक तो ये बिश्नोई कम्युनिटी, बिश्नोई है ना, बिश्नोई कम्युनिटी के लिए बहुत ही ज्यादा सिक्रेड है, राइट। हिंदुइज्म के अंदर इनको बहुत ज्यादा सिंबल ऑफ प्रायोरिटी की तरह ट्रीट करा जाता है। स्किन इनकी, हॉर्न्स, ये एक तरह से सेक्रेड ऑब्जेक्ट की तरह माना जाता है बिश्नोई कम्युनिटी के अंदर, ठीक है। आप देख रहे हैं बिश्नोई गैंग जो है, लॉरेंस बिश्नोई, ठीक है, वो उनके पीछे पड़ा भी है, इसी कारण से पड़ा है कि भाई तू सॉरी नहीं मांगा अभी तक ढंग से, राइट। तो उसके ऊपर आपने देखा होगा अपार्टमेंट पे गोलियां भी चल गई थी, तो उसके अंदर भी लॉरेंस बिश्नोई का ही हाथ माना जा रहा है, राइट। तो उसने कई बार बोल भी दिया कि मैं तो मारूंगा इसको, बिकॉज इसने क्या करा है, हमारी कम्युनिटी के सेक्रेड एनिमल को मारा है, राइट। फॉर बुद्धिज्म इट इज सिंबल ऑफ गुड लुक, ठीक है, गुड लक, सॉरी, गुड लक का सिंबल ये होता है। इट इज सिंबल ऑफ प्योरिटी फॉर द हिंदुइज्म, बुद्धिज्म के अंदर सिंबल ऑफ गुड लक है, राइट। इसके अलावा आप देखेंगे प्रोटेक्शन स्टेटस, अगर हम देखें वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल वन के अंदर है, IUCN के अंदर लीस्ट कंसर्न है, राइट, और साइट्स के अंदर अपेंडिक्स थर्ड है। कैसे याद करोगे लिस्ट कंसर्न, कि अब इसको कोई फर्क नहीं पड़ता है ना, तभी तो ज्यादा इसकी पॉपुलेशन बढ़ रही है। अब सलमान खान भी बूढ़ा हो गया है, राइट, उसके ऊपर केस वेस भी हो गए थे, राइट, तो उसको अब कोई फर्क नहीं पड़ता, अब ये लीस्ट कंसर्न है, पहले ये बड़ा ही प्रॉब्लमेटिक रहता था, अब ये लीस्ट कंसर्न है। इस तरह से आप इसके अंदर याद कर सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट जो टॉपिक है दैट इज राइट टू बी फॉरगॉटन, राइट टू बी फॉरगॉटन क्या है ये हम इसके अंदर आपको बताते हैं, राइट। अब ये न्यूज के अंदर इसलिए आया बिकॉज सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि एग्जामिन करेगा एक एक्यूटेड मैंस राइट टू बी फॉरगॉटन, कि कोई आदमी जब पहले दोषी था, अब उसका वो बाइज्जत बरी हो चुका है, तो उसका राइट टू फॉरगॉटन के बारे में सुप्रीम कोर्ट क्या करेगा, सुप्रीम कोर्ट एग्जामिन करेगा। देखो क्या होता है कि जैसे मान लो मैं दोषी था पहले, राइट, देवराज वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस चल रहा है मेरे ऊपर, ठीक है, अब मेरे को दोषी था पहले मैं, राइट, अब मैं, मेरे को क्या करा एक तरह से इन्होंने बाइज्जत बरी कर दिया, है ना, तो बाइज्जत बरी कर दिया, तो पर किताबों में तो अभी भी पढ़ाया जा रहा है देवराज वर्मा वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, जिसके अंदर मेरे को क्रिमिनल की तरह बताया जा रहा है, तो मैं ऐसे बोलूंगा कि भाई देखो अब तो मैं बरी हो गया हूँ, अब ये सब चीजें जो है पब्लिक डोमेन में से इनको हटाओ, दैट इज इंपॉर्टेंट, इन लोगों इन चीजों को हटाओ, नहीं तो फिर मेरा क्या है, मेरा तो भाई प्राइवेसी भंग हो रहा है इसके अंदर। सब लोग कहते हैं सर आपका नाम पढ़ा मैंने, है ना, बुक के अंदर, और आपको तो उसके अंदर क्रिमिनल बोल रखा था। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट इस चीज को देखेगा कि भाई सुप्रीम कोर्ट कहेगा कि जुडिशरी की जो रिकॉर्डिंग्स है वो पब्लिक डोमेन के अंदर रहनी चाहिए कि नहीं रहनी चाहिए, जो कि दोष से मुक्त हो चुके हैं, राइट। जो लोग अपने यहाँ पर इस तरह से हटाना चाहते हैं कि भाई हमको अपना ये सब चीजें वो फॉरगट हो जाए, ये सब कुछ पब्लिक डोमेन के अंदर नहीं रहे, तो उनके लिए सुप्रीम कोर्ट ने अभी कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ऐसा देखेगा कि राइट टू फॉरगटन उनको मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, ठीक है, जो दोष मुक्त हो चुके हैं। तो देखो राइट टू फॉरगटन का मतलब जो भी पब्लिक डोमेन के अंदर मेरी इंफॉर्मेशन है उसको मैं डिलीट करना चाहता हूँ, ठीक है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, एक और एग्जाम्पल आपको दे देते हैं, मान लीजिए मैं गाड़ी चला रहा हूँ, कार चला रहा हूँ, ठीक है, कार मेरी थोड़ी सी बढ़ जाती है, राइट, किसी से अब भिड़ जाती है, तो मैं बाहर निकलता हूँ और बाहर निकलता हूँ उसको बहुत ज्यादा अब्यूज करता हूँ, वो सामने वाला मेरे को अब्यूज करता है, दो तीन लोगों को और बुला लेता है, मेरे को पूरे पब्लिक के अंदर मारते हैं ये लोग, ठीक है, उसका वीडियो बना लेते हैं और वीडियो जो है पूरा का पूरा सोशल मीडिया के ऊपर रहता है। अब जो देखे वही कहे सर मैंने आपको वीडियो देखा था, आप शायद सड़क पर पिट रहे थे, है ना, तो इस तरह का जो पब्लिक डोमेन में ये रहेगा तो मेरा तो प्राइवेसी भंग हो गया ना भाई। तो मेरा राइट होना चाहिए कि राइट टू बी फॉरगॉटन, है ना, राइट टू बी फॉरगॉटन का मतलब कि मेरा अधिकार होना चाहिए कि मैं मेरे जो पब्लिक डोमेन में चीजें हैं जो कि मेरी प्राइवेसी के कारण, उसको क्या करा, उसको फॉरगॉट करा जाए, मतलब उसको डिलीट करा जाए पब्लिक डोमेन में से, तो दैट इज नोन एज राइट टू बी फॉरगॉटन। मतलब राइट टू बी फॉरगॉटन कैन बी लूजली डिस्क्राइब एज अ राइट टू रिमूव वंस डिजिटल फुटप्रिंट वेयर इट वायलेट्स द राइट टू प्राइवेसी, जहां पर वो राइट टू प्राइवेसी को वायलेट कर रहा है, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन, यहां तक सबको समझ में आया। तो भारत के अंदर राइट टू फॉरगॉटन है क्या, भारत के अंदर देखो एज सच कोई कानून नहीं है इसके ऊपर, कोई लीगल फ्रेमवर्क नहीं है इसके ऊपर राइट टू फॉरगॉटन के ऊपर, तो आप याद रखें ऐसा क्वेश्चन आ जाता है कि इज देयर एनी स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर द राइट टू बी फॉरगॉटन, ऐसा क्वेश्चन आ सकता है, तो आप बोलेंगे नहीं नहीं साहब कोई स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क इस तरह से नहीं है, पहले तो इवन राइट टू प्राइवेसी का भी नहीं था ना,
राइट टू प्राइवेसी का भी नहीं था, राइट टू प्राइवेसी का भी 2017 का एक जजमेंट हुआ है, पुट्टा स्वामी केस वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया केस, ठीक है। पुट्टा स्वामी वर्सेज यूनियन ऑफ इंडिया के अंदर क्या हुआ है कि एक तरह से यहाँ पर यह बताया गया है कि राइट टू प्राइवेसी हमारा एक फंडामेंटल राइट है। तो ये राइट टू फॉरगॉटन किसके अंदर आता है, राइट टू प्राइवेसी के अंदर ही आता है कि नहीं आता, अभी तक ये पता नहीं है, राइट। इसके ऊपर जजमेंट्स दिए हैं हाई कोर्ट्स ने, अलग अलग जजमेंट दे रखे हैं। तो अब सुप्रीम कोर्ट ये डिसाइड करेगा कि भाई राइट टू फॉरगॉटन का क्या करना है, राइट। और जो एक्यूटल हो चुके हैं लोग, उनका राइट टू फॉरगॉटन उनको देना चाहिए कि नहीं देना चाहिए, सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा। तो यहाँ पर देखो, इन इंडिया देयर इज नो स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क फॉर दैट प्रिस्क्राइब द राइट टू बी फॉरगॉटन। समझ में आ रहा है, ऐसा कोई भी एक स्टैट्यूटरी फ्रेमवर्क नहीं है भारत के अंदर, ये देख लो, ये दिस इज इंपॉर्टेंट लाइन। हाउएवर नॉट ऑल कॉन्स्टिट्यूशनल राइट नीड टू बी रिटन इन द ब्लैक एंड व्हाइट, ब्लैक एंड व्हाइट में नहीं होता। जैसे 2017 तक तो हमारे पास राइट टू प्राइवेसी भी नहीं था, तो राइट टू प्राइवेसी जब दिया गया तो अपेक्स कोर्ट एक्सप्लिसिटली रिकॉग्नाइज द राइट टू प्राइवेसी एज ए फंडामेंटल राइट, और उसको राइट टू इक्वलिटी, राइट टू फ्रीडम के इक्वलेंट उसके अंदर रखा गया उसको, राइट। इसी तरह से अब हो सकता है आगे चलकर राइट टू फॉरगॉटन जो है दैट विल बी इंक्लूडेड इनटू राइट टू प्राइवेसी, है ना, आर्टिकल 21 के अंदर आ जाए। तो क्या है इसका अभी कोई भी इसका इंटरप्रिटेशन, कॉन्स्टिट्यूशनल डायमेंशन में भी इंटरप्रिटेशन नहीं है और स्टैट्यूटरी डायमेंशन के अंदर तो बिल्कुल है ही नहीं। तो अभी सुप्रीम कोर्ट डिसाइड करेगा इसके ऊपर, तब पता चलेगा राइट टू फॉरगॉटन हमारे पास है कि नहीं है। उसके ऊपर फिर कानून बना सकती है सरकार, नहीं बनाएगी तो भी राइट टू फॉरगॉटन हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल राइट हो जाएगा, राइट। आई होप दिस इज क्लियर टू एवरीवन एंड दिस इज ऑल अबाउट टुडेज क्लास। थैंक यू सो मच फॉर लिसनिंग मी सो काइंडली एंड प्लीज रिवाइज दिस वीडियोस, ठीक है, वीडियो को रिवाइज करें एंड प्लीज शेयर दिस वीडियो वाइडली। आप शेयर नहीं करेंगे तो इट्स वेरी डिफिकल्ट टू कंटिन्यू दिस सीरीज, ठीक है। तो मैं अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा हूँ इसके अंदर, आप अपनी तरफ से पूरी मेहनत करें, रेस्ट हम सब गॉड के ऊपर छोड़ते हैं कैसे ये सीरीज चलेगी, क्या चलेगी। पर अगर ये सीरीज पूरी चल गई तो मैं आपको गारंटी देता हूँ कि आपको करंट अफेयर्स का एक भी चीज बाहर से पढ़ने की जरूरत नहीं है। और आपको जिस तरह से मैं करंट अफेयर्स पढ़ाने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं चाहता हूँ कि आपको सब कुछ क्लियर हो, है ना, धीरे धीरे पढ़े पर सब कुछ क्लियर हो आपको और सारी डायमेंशन आपको क्लियर हो और आपको कहीं और से चीजें नहीं देखनी पड़े, यहीं पर क्लास में याद हो जाए। पीडीएफ इसकी टेलीग्राम ग्रुप पे हम डाल ही देते हैं, नीचे देखिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दे रखा है, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए पीडीएफ के लिए, दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। सो दैट्स ऑल फॉर टुडेज क्लास, थैंक यू सो मच।